अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि एनजीटी से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना है कब हुई थी, 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं, तो चार जगह पर हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान करना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना है ये किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये अधिनियम पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, कुल 4 हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है, तो अधिकतम इसमें हो सकते हैं 20 सदस्य। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा। अब आप कमेंट्स करके बताएंगे कि एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में